हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। और अभी बजे हैं दिन के 12। मेरा है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, फाइनली मुझे जाना ही पड़ रहा है और पास में ही जाना है मुझे, कुछ ज़्यादा दूर नहीं लिया। तो ये वाला बैग मैं लेके जा रही हूँ हैंड बैग, कुछ अच्छा लगा तो मैं ले आऊँगी। इस तरीके से मुझे थोड़ा पिम्पल्स हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा भद्दे लग रहे हैं, और मुझे गर्मी के लिए मैंने इतने अच्छे अच्छे कपड़े लिए थे, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। और फिर मुझे ना रात भर इचिंग भी होगी बहुत ज़्यादा। तो मैं पहन लेती हूँ जूते और मैं निकलती हूँ हॉस्पिटल। आगे चल के अपडेट देती रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ। छिटकन मैंने कर ली है और यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है ताला लगाना, क्योंकि सामने से आंटी का रूम है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है गड़बड़। और अब मैं निकल पड़ी हूँ। बड़ा सा शॉल मैंने पहन लिया है आउटर, तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। और गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट कर देना। ये आज मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ, हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और रास्ते में बताती रहती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी मुझे रात, इसलिए ज़रूरी मैं जा रही हूँ मैं। और ये सामने खड़ा मेरा ऑटो आ चुका है, अब इसमें बैठती हूँ निकलती हूँ। गर्मी कितनी होने लगी है ना, बहुत हालत खराब है। हाँ, मार्च के महीने में ये हालत। हाँ, अब मई में पता नहीं क्या होने वाला है। क्या बोला? एक आध बार बारिश हो जाता था तो सही रहता। हाँ, बारिश हो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा, बट कहाँ बारिश, ऐसा तो बन ही नहीं रहा है मौसम। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। देखो ये है बिल्डिंग और यहाँ पे बैठती हैं डॉक्टर। यहाँ पे है बिस्तर, ये है क्रॉस पॉइंट का। फाइनली मैं आ गई हूँ लिफ्ट पे और मैंने एक दबा दिया है चौथा बटन। फोर्थ फ्लोर में जाना है मुझे। और देखो क्या कैमरे वैमरे लगे हैं, मस्त एसी चल रहा है। और यहाँ पे दिया है कुछ कुछ एड्स, यहाँ पे जो जो है यहाँ पे खाने का। तो रुक गई है लिफ्ट, शायद मैं पहुंच गई हूँ। तो फाइनली मैं बैठ गई थी सिटिंग एरिया पे हॉस्पिटल के, और डॉक्टर मेरे जाने के बाद आई, क्योंकि मैंने पहले से अपॉइंटमेंट लेकर रखा था। तो फिर डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे ही देख लिया। और ये छोटा सा सिटिंग एरिया था वहाँ पे, छोटा सा था बट बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया था। डॉक्टर्स के सारे अवार्ड्स रखे गए थे। और वहाँ से सीधे आने के बाद मैंने अपना बिल बनवाया और वापसी को निकल पड़ी अपनी। कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये सारे स्टैचूज। और फाइनली मैं जाने लगी हूँ, इतना सारा दवाइयाँ लेके। घर जाकर दिखाती हूँ क्या क्या दवाइयाँ रखी है इसमें। अब मुझे जाना है जी पे, ग्राउंड फ्लोर पे। और यहाँ पे भी देखिए खाने का लगा है, मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं प्रमोशंस कर रही हूँ। चलते हैं घर, यहाँ पे काफी सारे शॉपिंग मॉल्स भी हैं। अब मैं कर लेती हूँ अपने लिए ऑटो, ऑनलाइन ऑटो, उसके बाद घर में चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। और यहाँ पे काफी अच्छा सा गार्डन भी है, थोड़ा सा सिटिंग एरिया अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब मेरा ऑटो आने वाला है, कंफर्म हो चुका है। घर पहुँच के दिखाती हूँ दवाइयाँ कितनी सारी ली हैं मैंने। और यार हॉस्पिटल जाओ तो ना सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ये आ गया मेरा ऑटो, अब चलते हैं। मैंने लगा रखा है मास्क। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अब, और बड़ी थकान हो गई यार। 45 मिनट्स में वापस आ गई मैं।
ये पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर। बहुत ही पास था हॉस्पिटल स्किन क्लिनिक। अब आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। सो गाइस, वापस आ गई हूँ मैं घर और ये सारी दवाइयाँ लाई हूँ। डॉक्टर अतुला गुप्ता को दिखाया मैंने, बहुत अच्छी हैं, गुड़गांव DLF 4 पे है। और ये कुछ इस मैंने बोला ना उनसे कि मेरी डिजीज का नाम लिख दो कि मुझे क्या हुआ। उन्होंने बोला डिजीज नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब इसका कोई रीजन नहीं बताया, लेकिन प्लेनिस बताया डिजीज का नाम। और यार क्या भट्टा बैठा है यार वहाँ पे डॉक्टर ने, काफ़ी सारी दवाइयाँ दी है। मैंने उनसे बोला कि मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगी, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे आने में, क्योंकि मैं शिफ्ट कर रही हूँ, मैं शिफ्टिंग में बिजी हो जाऊँगी, साथ ही साथ मैं खाना भी खा रही हूँ। आलू लिया है मैंने और एग बॉईल करके लिया है और ग्रीन टी ली है थोड़ी सी। और क्या दवाइयाँ हैं, सुबह का लगाने का ट्यूब, शाम का लगाने का ट्यूब, नाइट में सोने से पहले लगाने का ट्यूब, दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या। हॉस्पिटल जाओ ना सारा भट्टा बैठ जाता है, मतलब सारे पैसे यार जमा करके रखो और हॉस्पिटल में जाके खर्च कर दो, ऐसा होता है। बहुत अच्छी डॉक्टर थी और बड़ा प्यारा सा हैंडबैग भी दिया है उन्होंने मुझे मुझे इस तरीके के हैंडबैग्स पसंद है, इवन मेरी भाभी को भी ना इस तरीके के हैंडबैग्स पसंद है। और चला दिया मैंने AC क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म लगा था बाहर। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और बताना आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल मेरा लंच हो गया ख़त्म और एक बार मैं हाल दिखा दूँ अपने हाथों का, कितनी ज़्यादा मुझे इचिंग हो रही होगी। रात भर मुझे इचिंग हुई है, कल रात ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी यार, इसीलिए आज फिर फाइनली मैं चले ही गई। रोज टाल रही थी मैं, नहीं जाना है नहीं जाना है, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जाओ दिखा लाओ, उनको टाइम नहीं हो रहा था, तो मैं बोल रही थी नहीं जाना है आज नहीं जाना है, तो फिर फाइनली मैं चले गई। और मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया है, फिनिश कर लिया है मैंने, अब मैं खा लेती हूँ दवाई, सुबह वाली मैं अभी खा लूँगी और फिर सोऊंगी थोड़ी देर, अच्छे से सोऊंगी, क्योंकि रात भर मैं ये इचिंग की वजह से ना सो नहीं पाई, पूरी बॉडी में ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट भी किया, थोड़ा डाइट चेंज करने के लिए भी बोला, बोला कि हो जाता है ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक हो जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, बाय बाय।